पेशाब कांड, पहले मध्य प्रदेश और अब उत्तर प्रदेश, जहां की कहानी एक है लेकिन मामले थोड़े अलग हैं, जबकि अपराध दोनों जगह के जघन्य हैं। ये सुनने में आपको थोड़ा अटपटा जरूर लगेगा, लेकिन आज की सच्चाई यही कि बदमाशों की दबंगई चरम पर है। दरअसल मध्य प्रदेश का मामला किसी के जहन से अभी उतरा ही नहीं था कि यूपी के जनपद जौनपुर से भी एक ऐसा ही मामला सामने आया। यहाँ दबंग छवि के कुछ लोगों ने पहले नाबालिग बच्चे की पिटाई की, फिर उसकी एक भौं को छील दिया। जब उनका मन इससे भी नहीं भरा तो उन्होंने उसके मुंह में पेशाब कर दिया। बच्चे को लेके आमी मोड़ जा रहा था छोड़ने के लिए, छोड़ के वापस आया था और संजय सिंह के पेट्रोल पंप के सामने एक आदित्य नाम का व्यक्ति सर वो ट्रैक्टर लेके आया। इसके सामने ट्रैक्टर पीछे था, वो लेके आगे आके ट्रैक्टर खड़ा करके और इसको मारना चालू कर दिए सर, मारते पीटते। फिर इसके वो आदित्य का पिता भी आए, उसके पिता ने वो भी मारा और दो चार लोग मारने के बाद हमको फोन किए। फोन करने के बाद सर हम फोन से सुजानगंज में थे सर, मेरा टिकट दिल्ली का था सर, मैं दिल्ली जा रहा था और मैं वहाँ से आया। वहाँ से आने के बाद वो लोग बोल रहे तुम्हारा बेटा साला हरामपन ऐसा क्यों करता सर। और इसके बाद सर वहाँ संजय सिंह प्रधान और धीरज प्रधान पहुँचे, मौके पे थे और उनके सामने ये लोग उठा के वहाँ से सिमरैया तालाब के पास ले गए। तालाब के पास ले जाने के बाद सर वहाँ इसको, दरअसल ये पूरा मामला है जनपद जौनपुर से सुजानगंज थाना क्षेत्र के शेखपुर खुटहनी गांव का, जहाँ एक दलित 14 वर्षीय किशोर को मन बढ़ो ने पहले जमकर पीटा और उसके मुंह में मिट्टी ठूस दी, फिर मारा और जब मिट्टी बाहर आ गई तो उसे पेशाब पिलाया। इसके बाद उसके एक भौं हाथ से उखाड़ी, फिर ब्लेड से छील दी। आरोप है कि इसके बाद उसके पिता को फोन करके बुलाया और उसके साथ मारपीट की। दिनांक 24/11/2023 को ब्रजेश गौतम पुत्र मेवालाल गौतम ग्राम असरोपुर थाना सुजानगंज द्वारा एक प्रार्थना पत्र दिया गया कि उनके लड़के अग्निवेश जो साइकिल से आ रहे थे खुटहनी पेट्रोल पंप के पास, उनको रोककर पास के बाग समरिया बाग में ले जाकर आदित्य सिंह और बबलू सिंह द्वारा मारपीट, गाली गलौज व अपमानजनक हरकत किया गया तथा वहीं पे दूसरे पक्ष वादी अशोक कुमार सिंह पुत्र सुबेदार सिंह द्वारा प्रार्थना पत्र दिया गया कि उनकी पुत्री जब महाविद्यालय पढ़ने जा रही थी तो अग्निवेश व भोदू द्वारा छेड़खानी व अश्लील शब्दों का प्रयोग किया गया। दोनों प्रार्थना पत्रों पर थाना सुजानगंज पर समुचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर। पीड़ित लड़के के पिता का आरोप है कि जब वो शिकायत लेकर सुजानगंज थाने पहुंचा तो वहां से उसे भगा दिया गया, जिसके बाद उसने एसपी अजयपाल शर्मा से मुलाकात की और घटना के संबंध में जानकारी दी, जिसके बाद एसपी ने सुजानगंज थाना पुलिस को निर्देश दिया और कार्रवाई की बात कही। वहीं सुजानगंज थाना अध्यक्ष रोहित कुमार मिश्रा ने बताया कि मेडिकल करवाया जा रहा है, उसके आधार पर मुकदमा दर्ज किया जाएगा। खैर, जहां अमानवीय घटना के बाद पुलिस प्रशासन पर सवाल उठ रहे हैं, वहीं अब ये भी सवाल उठने लगा है कि वो लोग कहां हैं जो कहते हैं कि हम दलित पिछड़ों के साथ हैं, उनके हर दुख सुख में साथ हैं। पंजाब केसरी टीवी के लिए जौनपुर से जावेद अहम की रिपोर्ट।